हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल पे बटर स्कॉच केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप बेकरी से भी ज्यादा टेस्टी केक घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। सबसे पहले एक कप दूध लें और उसमें 1/4 चम्मच विनेगर डालें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए साइड रख दें। अब हमें ड्राई मटेरियल्स रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने 1 कप और 1/4 कप मैदा ले लिया है। 1/4 कप शुगर लें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लें। इन्हें अच्छी तरह से छान लें, थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसमें हमने बटर मिल्क ऐड कर दिया है जो हमने अलग करके रखा था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। याद रहे, इसमें किसी भी प्रकार का लम्स नहीं होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस लें, यह आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। 1/4 कप ऑयल लें। ऑयल में किसी भी प्रकार का स्मेल या फिर टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे एक केक टिन में ट्रांसफर कर लेना है। ये मैंने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बार टैप करें। अब एक गहरा बर्तन ले लें। इसे मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। इसमें नमक डाल लें और एक स्टैंड रख लें और इसे बीचों बीच केक टिन रख लें। अब इसे ढककर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। दोस्तों, 30 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोलकर देख लें। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से फूली हुई है। एक टूथपिक की मदद से इसे चारों तरफ से चेक कर लें। अगर आपकी टूथपिक क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक जो है अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब इसे नेचुरली ठंडा होने दें। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। दोस्तों, जब तक केक ठंडी हो रही है तब तक इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम पाउडर ले लिया है। यहाँ मैंने बेकर्स व्हिप का व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था। अगर आप भी लेना चाहे तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ हमें 1 कप बिल्कुल फ्रीज से निकला हुआ दूध ऐड करना है। याद रहे, दूध बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के टूल को भी 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लिया था। ये भी मैंने काफी ठंडा लिया हुआ है। अब हमें इसे बीट कर लेना है। बीट करने से पहले थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद सबसे पहले बिल्कुल लो स्पीड में स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले से बनने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप हो रही है। दोस्तों, ये व्हिपिंग क्रीम तो व्हिप हो गई है। अगर आपके पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर से भी अच्छी तरह से व्हिप कर सकते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आपको लगे कि आपकी व्हिपिंग क्रीम व्हिप नहीं हो रही है तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में डालें और उसके बाद दोबारा से व्हिप हो, आसानी से व्हिप हो जाती है। दोस्तों, केक जो है ठंडी हो गई है। इसे डीमोल्ड कर लें। इस तरीके से प्लेट रखें और केक टिन पलट लें। 2 से 3 बार डैप करें और उसके बाद मोल्ड हटा लें। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली बाहर आ गई है। सारे बटर पेपर निकाल लें। आप देख सकते हैं केक जो है बहुत अच्छी तरह से बेक हुई है। इसमें परफेक्ट स्पॉन्ज आ गया है। दोस्तों, ये ड्राई केक तो रेडी है। अगर आप इसमें क्रीम नहीं लगाना चाहते, मतलब फ्रॉस्टिंग नहीं चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे ही एंजॉय करें या फिर क्रीम से सजा लें, मतलब केक की फ्रॉस्टिंग कर लें। दोस्तों, अब हमें केक डेकोरेट कर लेना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर की ये जो क्रैक लेयर है उसे हटा लेना है ताकि डेकोरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे बहुत ही आराम से कट करें। आप देख सकते हैं केक में बहुत ही अच्छी जाली आई हुई है। ये साइड्स भी इस तरीके से कट कर लें।
अब हमें केक की एक लेयर या दो लेयर कट कर लेनी है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी लेयर कट करनी है। मैं यहाँ पे दो लेयर कट कर रही हूँ। इस तरीके से चारों तरफ पहले मार्क लगा लें, उसके बाद इस तरीके से बीच से कट करें। बहुत ही आसान है कट करना। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर कट हो गई है। अब हम इसकी सेकंड लेयर भी कट कर लेंगे। दोस्तों याद रहे, केक कट करने के लिए केक का ठंडा होना बहुत जरूरी है। अगर केक परफेक्ट ठंडी नहीं होगी तो केक जो है वो टूटने लगेगी। आप देख सकते हैं केक अंदर से गर्म थी, इस वजह से इस तरीके से टूट सी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्रीम से कवर कर लेंगे। अब हमें केक बोर्ड ले लेना है और इसे बीच में क्रीम लगा लें ताकि केक जो है वो स्टिक रहे, इधर उधर हिले ना। पहली लेयर रख लें अब इसमें। अब हमें इसमें ये शुगर सिरप डाल लेना है। दोस्तों याद रहे, शुगर सिरप डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारी केक जो है वो परफेक्ट मॉइस्ट होती है। आप इस तरीके से टच करके देख लें, हाथ में अगर पानी आए इसका मतलब शुगर सिरप बिल्कुल परफेक्ट डली हुई है। अब हमें इसमें थोड़ा व्हिपिंग क्रीम डाल लेना है। हमें इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम जो है वो चारों तरफ फैला लेनी है और इस तरीके की नाइफ की मदद से इसे इवन कर लें। हमें इसमें प्रलाइन डाल लेनी है। दोस्तों इस प्रलाइन की रेसिपी मैंने अपने चैनल में शेयर की हुई है, अगर आपने वो रेसिपी अब तक नहीं देखा हो तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। अब हमें इसमें दोबारा से क्रीम डाल लेना है। इसे अच्छी तरह से फैला लें ताकि ऊपर की लेयर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब इसमें सेकंड लेयर रख लें, अच्छी तरह से बिठा लें। अब हमें इसमें दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अच्छी तरह से शुगर सिरप डालें, क्रीम डालें, इसे अच्छी तरह से इवनली फैला लें। इसमें दोबारा ये प्रलाइंस डाल लें। दोस्तों प्रलाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर स्कॉच केक में। दोबारा से थोड़ा क्रीम डालें और इसे फैला लें। अब मैं इसमें थर्ड लेयर रखूंगी, पर इसे मैं उल्टा रखूंगी और सेम प्रोसेस रिपीट करें, शुगर सिरप डालें। अब हमें साइड्स के सारे क्रीम को इवन कर लेना है। दोस्तों हमें चारों तरफ क्रीम की एक लेयर अच्छी तरह से लगा लेना है। क्रीम की लेयर लगाने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल लेना है। दोस्तों बाकी के बचे हुए व्हिपिंग क्रीम में मैं ये येलो कलर ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बटर स्कॉच केक में यूज किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। अब येलो कलर की व्हिपिंग क्रीम को हमें इस केक में चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इवनली इसे स्प्रेड करें, साइड्स में भी अच्छी तरह से क्रीम लगा लें। अब इस तरीके के फोम की मदद से मैं इसके बैक साइड से इसे थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूंगी। अब यहाँ मैं थोड़ा कैरेमल सॉस से डिजाइन बना ले रही हूँ। दोस्तों इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में शेयर की हुई है, अगर आपने अब तक वो रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। अब मैं टूथपिक की मदद से इसे इस तरीके से डिजाइन दे रही हूँ। साइड्स में भी थोड़ा सा कैरेमल सॉस से डिजाइन दे दिया है मैंने। अब इस तरीके के पाइपिंग बैग में क्रीम भर लें और नीचे से डिजाइन से स्टार्ट करें। यहाँ मैं स्टार नोजल का यूज कर रही हूँ। ऊपर भी मैंने हाफ में नीचे वाले ही डिजाइन डाले हुए हैं और आधे में मैं इसमें इस तरीके से गोल बनाते हुए डिजाइन दे रही हूँ। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा कि मैं यूज कर रही हूँ, जैसा कि मैं डिजाइन बना रही हूँ, आप भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बनाए। आप अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। बीच में थोड़े प्रलाइन डाल लें डेकोरेशन के लिए।
दोस्तों हमारी ब्यूटीफुल सी और यमी सी केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा ही है, इसे हमने घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।